हेलो विद्यार्थियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 6 के अंतर्गत पाठ 9 पद और दोहे के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी। आइए हम आगे देखते हैं अति लघुतरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? उत्तर देखिए आप, समर्पण भाव और दाम्पत्य भाव की। प्रश्न क्रमांक 2, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन सा मिला? उत्तर देखिए, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी वे स्वयं मिले। प्रश्न क्रमांक 3, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर देखिए, लाज का अर्थ होता है शर्म। कपटी लोगों को कपट करने में लाज नहीं आती है, ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। लघुतरी प्रश्न में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है? उस दोहे को लिखिए। उत्तर में देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहते भुजंग। इस प्रकार यह कविता है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है? उत्तर में देखिए, जो दुख में विपत्ति में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 6, तो निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका भावार्थ देखिए, मैंने कृष्ण के प्रेम आंसुओं से प्रेम की बेल बोई है, अब वह बेल फैल गई है, मुझे आनंद मिलने लगा है। इस प्रकार का यह भावार्थ है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखिए प्रश्न क्रमांक 7, कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। उसका भावार्थ देखिए, कबीर एक समाज सुधारक थे, वे चाहते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, अतः उन्होंने लोगों को लोभ क्रोध गर्व आदि बुराइयों से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति दया भाव तथा समत्व भाव जागृत करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार उसका भावार्थ हो जाएगा। मूल्यांकन 7 में देखिए अति लघुतरी प्रश्न, कबीर ने किन दो बातों की सीख अपने दोहे में दी है? उत्तर देखिए, पहला, भूखे को भीख दो, दूसरा, ईश्वर की भक्ति पूरे मन से करो। ये दो प्रकार की सीख है उस दोहे में। अगला देखिए लघुतरी प्रश्न क्रमांक 9, कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है? उत्तर देखिए, भविष्य को कोई नहीं जानता है कि उसे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए कहा है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाणी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई। तन तन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुंडे के किए टुक ओढ़नी लोई, मोती मूंगे उतारी मनमाला पोई। इस कविता का भावार्थ लिखना है तो देखिए बच्चों, इसका भावार्थ, मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गो का पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं, इनके अतिरिक्त तो मेरा कोई नहीं है जो सिर पर मोर मुकुट धारण करते हुए वह मेरे पति है। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ का अध्ययन हमारे चैनल द्वारा किया गया है।
आइए बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।